नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम आए हैं सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। ये इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला लगता है फरीदाबाद में, जो कि हरियाणा में है। बहुत ही अच्छा मेला है ये। आप लोग आओगे तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ हैंडमेड आइटम्स मिलते हैं। बहुत ही अच्छा मेला है ये। हर साल लगता है ये फैब में। अब की बार 2 फैब से स्टार्ट हुआ है और 18 फैब इसका लास्ट डे होगा। चलो हमारे साथ चलिए और विजिट करते हैं मेले को। इसकी टिकट प्राइस है 120 रुपीज़ इन अ वीकडे, और वीकेंड पे है 180 रुपीज़। चलिए देखते हैं कैसा है अब की बार, क्या कुछ अलग है। और अब की बार गुजरात की थीम है मेले में। हम यहाँ से स्टार्ट चलिए करते स्टॉल्स हैं, को विजिट देखना। करते हैं हम सबसे पहले। अब देखते हैं कि क्या किधर क्या मिल रहा है। सबसे पहले हमने गए, इतना ब्यूटीफुल सा स्टॉल था जिसके, इनके पास हैंडमेड बैग्स थे, क्लच, हैंडमेड बैग्स थे, क्लचेस थे, बड़े सुंदर सुंदर थे। उन पे स्टोन्स का, पर्ल का वर्क हो रखा था। बड़ा क्यूट सा लगा मुझे ये छोटा सा। ये पर्ल्स वगैरह से वर्क कर रखा है इन्होंने इसके ऊपर। ये हैंडमेड है। यहाँ पे जो भी आपको आइटम मिलेगा ना, वो सब हैंडमेड होगा। तरीका फिर ये जूतियाँ देखी, बड़ी सुंदर सुंदर बैग्स, बहुत प्यारे प्यारे थे इनके पास, छोटे छोटे क्लच। हाँ, बहुत ही सुंदर कलेक्शन है। ये पेंटिंग्स भी हैं इनके पास, ये जरी दबके का काम हो रखा है इनके पास। और रेट इनका 600 बताया था इन्होंने इस क्लच का। और एक ये देखिए कितना प्यारा शोपीस, बहुत सुंदर लगा देखने में। ये छोटी वाली का प्राइस 3500 था, बड़ी वाली का 4500 था। सभी असम का भी मतलब फैब्रिक था इनके पास, बिहार, हर जगह का स्टॉल लगा हुआ था। सारी स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर, बड़े मतलब हम फ्राइडे को गए थे तो रश इतना नहीं था। कोल्हापुरी चप्पल बड़े सुंदर मिलते हैं यहाँ पे। मैं लॉकडाउन से पहले एक बार गई थी तो मैं लेके आई थी, वो अब तक मेरे ख़राब नहीं हुए हैं। और रेट भी बहुत सही थे, 350-400 था प्राइस इनका। काफ़ी सुंदर। रश इतना नहीं था तो आसानी से देख पा रहे थे। अगर आप वीकेंड पे जाओगे तो ज़्यादा आपको रश मिलता है, फिर आप अच्छे से ना परचेज नहीं कर सकते। और ये मैंने एक सूट देखा था, ये इस, ये देखिए, ये हैंडमेड क्लिप्स हैं। ये 30 रुपीज़ का पेयर दे रहे हैं। क्रॉकरी ये भी बहुत अच्छी थी, मतलब कई चीज़ें तो यहाँ पे बहुत अच्छी। और यहाँ पे ये आपको क्विल्ट वगैरह, ये ब्लॉक प्रिंटिंग वाली बेडशीट्स हैंडलूम की बहुत अच्छी मिलेंगी आपको। ये नहीं है ख़राब निकलती है, बहुत अच्छा फैब्रिक। अब तो बुटीक वाले भी स्टॉल लगाने लगे हैं यहाँ पे, जैसे बुटीक्स वाले होते हैं ना, कुर्ती वगैरह आप ले सकते हो। ये शोपीस थे, कांच से बने हुए थे, ये भी बहुत अच्छे थे। ये मतलब छोटा आप देखेंगे तो छोटा, ये इन्होंने बोला था 150 का, फिर ये गणपति जी ये उन्होंने 75 रुपीज़ में दे दिया था। मतलब बार्गेनिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए यहाँ से, तो आप परचेज कर सकते हो। बड़ा प्यारा सा लगा ये, मैंने लिया ये सब, मतलब 150 में 2 लिया था, बोल रहे थे ये 100 का, फिर 150। और ये इयररिंग्स भी थे, ये जयपुरी कुर्तीज जैकेट, अच्छा कलेक्शन था। शोपीस बहुत अच्छे थे। ये चकला बेलन, ये इन्होंने 1200 बोला था, लास्ट में इन्होंने हमें 700 में दे दिया था। ये शोपीस इतने अच्छे थे, बहुत सुंदर सुंदर शोपीस। बहुत महंगा नहीं मिलता है ये, बोलते हैं, फिर आप बार्गेनिंग करोगे तो ये आपको सही रेट पे मिल जाता है। ब्रास का बड़े प्यारे प्यारे शोपीस थे इनके पास।
आपको यहाँ पे ना यूनिक चीज़ें मिलेंगी बिल्कुल। आपकी दिल कितनी प्यारी मूंगफली बनाई हुई है। बहुत अच्छा डन। ये बेडशीट्स हैं हेलो वाली, ये भी बहुत अच्छी है, मतलब क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी होती है, कलर इनका बिल्कुल नहीं जाता। ये आपको डबल बेड की बेडशीट 650 रुपीज़ में मिल जाएगी। इसमें भी ये काफ़ी कलर्स होते हैं, बहुत अच्छी है ये बेडशीट्स, मेरे को पसंद आती हैं। अब ये वुड से बने हुए टॉयज़ हैं बच्चों के लिए। जहाँ जहाँ मुझे चीज़ें अच्छी लगी ना उनका मैंने शॉप नंबर भी डाला है, आपको स्टॉल नंबर भी मेंशन कर दिया, दिखेगा आपको उसमें। ये बड़े प्यारे प्यारे थे बच्चों के लिए। ये एक बुटीक वाली है, उन्होंने अपना स्टॉल लगा हुआ था उधर, लगा रखा था। इनके पास भी कुर्ती कलेक्शन अच्छा था, ये 500 रुपीज़ में था, मतलब कोई भी आप कुर्ती लोगे 500 रुपीज़ में थी वो। फिर इन्होंने इनके स्टॉल पे हम गए थे एक बार, हमने देखी कुर्ती तो ठीक था कलेक्शन, मतलब 500 रुपीज़ में रीजनेबल प्राइस में थी कुर्ती, अच्छी थी इनके पास भी, बहुत अच्छी थी। वीर की लखनवी सूट्स देखे, कुर्ती थी इनके पास, लखनवी कलेक्शन था, टाई एंड डाई का दुपट्टे के साथ, साड़ी, ये शो पीस बहुत अच्छे थे, लाइट वाले बैंगल्स भी थी इनके पास। हमने एक पार्ट घूम लिया था, देख लिया था, एक दो चीज़ें हमने यहाँ से ली, फिर और आगे देखा यह काफ़ी। मुझे यहाँ पे ना ब्लॉक प्रिंटिंग वगैरह के सूट्स वगैरह जो भी होते हैं ना, वो सब कलमकारी वगैरह ये सब मुझे पसंद आता है, तो मैं मोस्टली वही खरीदने के लिए इधर आती हूँ। कोटा वाले सूट काफ़ी अच्छा, डेकोरेशन भी बहुत अच्छी हुई हुई थी की बार, थीम गुजरात थी ना। जयपुरी कुर्ती प्रिंटेड 450 रुपीज़ में। रग्स भी, रग्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं यहाँ पे हैंडमेड। ये बड़े प्यारे से लगे थे, ये हमने लिया था, ये 200 रुपीज़ पर पीस इन्होंने दिया था हमको, ये काफ़ी सुंदर लगा था मुझे, प्यारा था, क्वालिटी भी अच्छी थी इनकी। फिक्स प्राइस इन्होंने लिखा हुआ था 300 पर 200 में इन्होंने हमें दे दिया था। ये कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी कुर्तीज़ के ऊपर, कॉटन की थी, अच्छी थी ये। ये इसमें शॉर्ट कुर्ती भी थी और लॉन्ग भी थी, कलर भी बहुत अच्छे थे इनके, कलर भी मतलब फास्ट कलर होते हैं इनके, अच्छे होते हैं, फैब्रिक भी अच्छा था, बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन था। कश्मीरी शॉल स्टॉल सूट बहुत वैरायटी मिलेगी आपको, मैं बोलती हूँ एक बार आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए, देखना चाहिए सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, अच्छा है इधर, छोटे बच्चों के लिए भी था।
हैंडमेड टॉप, ये शोपीस थे बड़े। अब इस साइड हम आए हैं ना असम मणिपुर, इस साइड उन लोगों के स्टॉल्स हैं ज़्यादा, असम का और मणिपुर इनके स्टॉल मिलेंगे। ये जूट से बनी हुई बास्केट्स हैं, बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी। मतलब ये होगा एक बार आप ले लोगे ना तो ये बहुत टाइम चलेगी, ख़राब नहीं होंगी। इतनी प्यारी प्यारी बास्केट्स थी, जूट से बनी हुई, बैग्स थे जूट से बने हुए। ये हैंडमेड जूती हैं बच्चों की, आंटी बना रही थी बैठ के वहीं पे। एक बैग्स थे बड़े प्यारे प्यारे जूट से बने हुए, इतने सुंदर लग रहे थे। ये इनका 400 रुपीज़ प्राइस था, ये जो मैंने अभी बैग लिया था इसका 400 बताया था इन्होंने। ये वहाँ पे मणिपुर का लेमन है, ये लेके आए हुए थे वहाँ से सेल करने के लिए। ये बैग था जूट से बना हुआ, पर्स, हाँ छोटा सा, इतना प्यारा सा था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। वही कश्मीरी स्टॉल्स, मतलब आपको अगर कोई चीज़ लेनी है ना तो उसके आपको कम से कम 5-6 स्टॉल मिल जाएंगे सेम देखने के लिए, कश्मीरी स्टॉल। ये बहुत सुंदर थे शोपीस, फ्लावर्स, प्यारा लग रहा था। और एक सबसे ज़्यादा यूनिक मुझे यहाँ पे लगा ये बेल, ये बहुत अच्छी लग रही थी। ये 200 रुपीज़ में दिए थे इन्होंने, बहुत सुंदर बेल है ये, 200 रुपीज़ का था। बहुत ही प्यारी लगी है मुझे। बैम्बू चेयर्स बहुत अच्छा लग रहा था। मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ, पीछे बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक था तो मैं बोलती तो कुछ आपको सुनाई नहीं देता, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया। ये चौपाल है ना, बड़ी चौपाल, उसके पास में ये स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये वाले जो स्टॉल्स हैं ना जहाँ हम घूम रहे हैं, वो वाला एरिया है। अगर आपको कुछ पसंद आता है आप तो जाके उस ले सकते हो। इस साइड पूरा होम डेकोर का था मोस्टली। और ये यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी है, अगर वो आरओ लगे हुए हैं, अगर आप जैसे बॉटल नहीं परचेज करते हो या पानी नहीं है तो आप पी सकते हो। ये लेफ्ट साइड पे बड़ी चौपाल है, इधर परफॉर्मेंस हो रही थी तो म्यूजिक बहुत लाउड था। यहाँ से हमने दोहर लिया था, बहुत अच्छा, लास्ट टाइम भी लेके गए थे हम वहाँ से, तो हम उनसे वही बोल रहे थे कि आप जैसा हम लेके गए थे उसी टाइप का दिखाइए। ये लिया था हमने, ये 2500 रुपीज़ में हम लेके आए थे उनसे। किंग साइज है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, मतलब लास्ट ईयर 1 ईयर हो गया हमें यूज़ करते हुए। ये बनारसी साड़ी थी इनके पास में, जरी वाली साड़ी थी, ये जयपुरी बंधेज वाले सूट, ये नेस्ट थे बड़े क्यूट क्यूट से, बड़े प्यारे प्यारे से, बहुत अच्छे लग रहे थे। हैंडमेड पेंटिंग्स थी इनके पास काफ़ी अच्छी।
भी पेन थ्रेड पेंटिंग्स हैं, ये बहुत अच्छी हैं। ये ब्लॉक प्रिंटिंग वाले कॉटन, सॉफ्ट कॉटन के सूट्स थे, ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट चॉइस होती है, ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने इस तरह के 4 सूट खरीदे इनसे, रेट भी बहुत ठीक था इनका। ये समर में ना बहुत अच्छे लगते हैं पहनने में ना, अब मतलब अब तो सेट आता है पूरा, पर मेरे को ना परचेज करके और स्टिच कराना ज़्यादा पसंद है। ये लाइट्स थी बड़ी प्यारी, बहुत सुंदर। एंटीक यूनिक कलेक्शन था ये, बिल्कुल ही बहुत अच्छा लग रहा था। इविल आई के लाइट्स थी इनके पास में, वेंच एंड वगैरह बहुत अच्छे थे। आप इधर आओगे ना बोर नहीं होगे, जगह जगह म्यूजिक बजता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का म्यूजिक। ये राम मंदिर शोपीस बना रखा था, ये छोटा वाला 150 रुपीज़ का था। ये नेस्ट, ये हैंडमेड ज्वेलरी थी, ये वूलर थ्रेड से बने इयर रिंग भी ये हैंडमेड थे, इतने प्यारे थ्रेड से बना रखी थी। ये बेल्ट थी, वेस्ट बेल्ट, बहुत सुंदर ज्वेलरी थी। डेकोरेशन अच्छे से पूरा घूमना चाहते हो ना, सूरज को मेरा देखना साथ चाहते हो, आपको 5 से 6 घंटे खटाने चाहिए पूरा। हर बार कुछ अलग दिखता है यहाँ पे, लोगों ने ना एक माइंडसेट बना रखा है कि यहाँ पे सब महंगा मिलता है, ऐसा नहीं है। अच्छा डिलीवरी आया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और देखो हैंडमेड आइटम है, वो थोड़ा सा महंगा तो मिलेगा ही एक, और हैंडमेड बनाने में भी टाइम बहुत लगता है, कुछ हाथ से आप कलाकारी करते हो तो वो टाइम लगता है। एकदम यूनिक, ये इंटरनेशनल स्टॉल्स हैं सारे, इनका भी बहुत मतलब बहुत अच्छा कलेक्शन था। यहाँ पे भी डॉल्स थी इतनी प्यारी प्यारी, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स थे, ये वूल वूलन शॉल्स वगैरह थी स्टॉल पे। यूनिक साइन, ये इंटरनेशनल स्टॉल्स हैं, इनका कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। ये डॉल्स थी वहाँ की ही, ये प्यारी सी क्यूट सी, ये 200 रुपीज़ प्राइस था इस डॉल का। ज्वेलरी ये थाईलैंड का स्टॉल था, इसमें बच्चों के लिए बहुत आइटम थे इनके पास में, पर्ल नेकलेस वगैरह गर्ल्स के लिए बहुत प्यारे। ये कैप, ये डॉल है बड़ी प्यारी प्यारी, ये आंटी हैंड एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, ये कैप के ऊपर हैंड एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, ये हैंडमेड आइटम है सब।
इन लोगों की क्रिएटिविटी है सब। ये डॉल्स हैं बड़ी प्यारी है, डिफरेंट डिफरेंट डॉल्स हैं बिल्कुल। इसका प्राइस था 150 रुपीज़। में ये डॉल थी। इनका फिक्स प्राइस होता है, आप इनसे बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो, ये फिक्स प्राइस में, और प्राइस इनका रीजनेबल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ये मिरर, शोपीस थे। ये कॉफी सेल कर रही थी। जब हम आ गए हैं तंजानिया के स्टॉल की तरफ, लाइट्स है, बड़ी ब्यूटीफुल सी सीरिया स्टॉल था ये, पेंटिंग हैंडमेड, ये क्रोशिया वर्क के, अदर कंट्रीज में भी होते हैं ये हैंडमेड लाइट्स हैं, ब्रास से बनी हुई हैं ये पर्ल नेकलेसेस, ब्रेसलेट, एक्सेसरी, हेयर एक्सेसरीज भी बहुत सुंदर थी इनके पास बच्चों की, बहुत प्यारी प्यारी। ये पर्ल नेकलेस 200 रुपीज़ का था, ये हमारे इधर भी इतना ही मिलेगा, मतलब प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है इनका, ठीक है। ये थाईलैंड के स्टॉल पे है ये सब चीज़ें। ये गार्लिक पेन है ये भैया ने लगाई हुई है, ऐसे इनके पास हर वेजिटेबल फ्रूट की क्लिप्स थी बच्चों के लिए। ये हैंडमेड पॉट्स वगैरह थे, और ये ऑक्सी स्टोन का था ये वास वगैरह, वास पॉट वगैरह बहुत सुंदर थे। और इनके पास एक यूनिक आइटम था फ्रूट्स, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। चलो फ्रूट बड़ा अलग सा, इतना प्यारा, ये एप्पल, ये स्मॉल साइज 200 रुपीज़ का था, और बिग था इसका, बड़े साइज में भी है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये लैम्प नहीं, ठीक है, ये दे दो, पैक कर दो। ये एक बार मेरे का इन्होंने बोला था, फिर हमने 1100 में लिया था। ये हैंडमेड पेंटिंग्स हैं, इनका कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, यूनिक बिल्कुल, बहुत सुंदर। इन्होंने झरोखा बना रखे थे एक, मतलब बहुत सुंदर। ये हरियाणवी ज्वेलरी ड्रेसेस सेल हो रही थी यहाँ पे, ये हमारे पुराने टाइम का सामान, पहलवान जो उठाते थे, आप डंबल बोलते हैं ना, वो वजन, ये वेट है, ये बड़ा हैवी थे, उठ ही नहीं रहे थे, बिल्कुल ही नहीं हिल रहे थे। बर्तन, चरखा, ये पुराने टाइम का सामान है। एक तरह से म्यूजियम बना रखा है वहाँ पे, बहुत हैवी था वेट में। ठीक है,
घड़ा, ये बर्तन पहले पानी वानी भरते थे, ये बड़े बर्तन होते थे, स्टोर करके रखते थे पहले। ऐसे तो होता नहीं था कि मोटर ऑन करो और पानी आ जाए, तो स्टोर करके रखते थे, ये बड़े बर्तन होते थे। ये रोटी रखने का डब्बा, ये सब्जी वगैरह चूल्हे पे बनाते थे भाई। यहाँ पे आप फोटो भी करा सकते हैं 100 रुपीज दे के, पगड़ी पहन के फोटो कराने के लिए पगड़ी बांधते। और कल्चरल इवेंट चलते इधर ही होगी, अदर वे स्ट्रीट का मतलब म्यूजिक बज रहा था, लोग डांस कर रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा लगता है। डेकोरेशन रखी थी काफी सुंदर, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर का बना रखा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी, ये वुड सेल भी लगी हुई थी, वुड से बनी हुई चीज़ों की 100 रुपीज़, 200, 300। ये स्टूल आपको 300 रुपीज़ में मिल जाएगा। फर्नीचर भी होता है उधर, अगर आप लेना चाहते हो तो आप परचेज कर सकते हो जाके वहाँ से। ये पीढ़ा 400 रुपीज़ में मिल रहा था। सभी स्टॉल्स पे आप देखोगे अच्छा, बहुत अच्छे से आइटम है। आप अगर आप साड़ी परचेज करना चाहते हो, सूट परचेज करना चाहते हो, तो वो सब मिल जाएगा आपको। ये क्यूट से टॉयज थे, शो पीस बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत पसंद आई ये कैट। डेकोरेशन देखिए, वाव है बिल्कुल। चार एंट्री गेट हैं इसमें, गेट नंबर 1, 2, 3, 4। और आप मेट्रो से भी आ सकते हैं, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बदरपुर बॉर्डर है, वहाँ से आप ऑटो करके भी यहाँ पहुँच सकते हैं। आसाम की साड़ियाँ थी बड़ी सुंदर सुंदर, ये गुजराती बंधेज, गुजरात के हैं ये डेकोरेशन, होम डेकोर आइटम बड़े प्यारे प्यारे, बंदर बार सब बहुत सुंदर है। इनका प्राइस 200 रुपीज था, बंदर बार थे जो। ये इस साइड पूरा गुजरात का आपको मिलेगा, सारी सब ज्वेलरी वहाँ की। ये क्लोथ से बने हुए इयररिंग्स से, ये कपड़े से बने हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे ये भी, एकदम यूनिक है ना। ये क्लोथ से बने हुए थे, मिरर वगैरह लगा के इन्होंने, ये फैब्रिक 1000 रुपीज मीटर था ये दुपट्टा। ये पैम्पलम के साथ टॉप्स, पैम्पलम टॉप,
शॉल। वुड से बने हुए वुडन आइटम्स वहाँ पे काफी सस्ते हैं, काफी सही रेट है। टॉयज ये 50 रुपीज में था ये फैन। ये वुडन कॉम, जो चीज़ें मुझे यूनिक सी लगी ना वो मैंने ली सब, जो वो अलग सा लगा ना कुछ। ये देखिए ये रंगोली है, कितनी सुंदर लग रही है। ये बंदर बार गुजराती लहंगा चोली, बहुत प्यारे पपेट भी हैं उधर। ये बैग्स हैं, ये बास्केट, ये 600 रुपीज़ में ये दे रहे थे इसको। नमस्कार, मेरा नाम रवि भाई है, मैं गुजरात से हूँ और ये कॉटन की बेडशीट है, कलर का कपड़े की फुल गारंटी वाला है। और इसका प्राइस भी बता दो। ये 600 की सेल लगा रखी है हमने, बाकी जगह आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगी। ये स्टफ भी बहुत अच्छा है। ये हम फूड कोर्ट की तरफ आ गए थे हम, ये फ्रूट से नेचुरल फ्रूट से आइसक्रीम बना रहे हैं। ये कोल्लड वाला पिज़्ज़ा बन रहा है यहाँ पे। हाँ, मतलब फूड कोर्ट में भी आपको हर स्टेट का खाना मिलेगा। दो फूड कोर्ट हैं इधर, हर स्टेट का खाना मिलेगा। गुजरात, ये सीताराम के, दिल्ली के सीताराम के फेमस छोले भटूरे भी थे यहाँ पे। ये वही स्टॉल्स, ये चौपाल है, यहाँ पे कल्चरल परफॉर्मेंस हो रही थी। आप बहुत थक जाए तो आप इधर बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, रेस्ट करने के साथ साथ आप परफॉर्मेंस भी इंजॉय कर सकते हैं। ये चौपाल के राइट साइड में मैंने अपने इस व्लॉग में ऑलमोस्ट पूरा सूरजकुंड कवर किया है। आप इधर आके फूड भी, अदर अदर स्टेट्स का फूड भी इंजॉय कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं। मैं बोलूँगी कि आपको वो विज़िट ज़रूर करना चाहिए, देखना चाहिए ये मेला, ये बहुत अच्छा है। आज शाम 6 बजे हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली। अब हम घर के लिए निकलते हैं और घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा है।